पति बिना तलाक दिए लिव इन रिलेशनशिप या एडल्ट्री में रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी क्या कर सकती है। जी हाँ, टोटल कुल मिलाकर मैं एक कंबाइंड में वीडियो बनाया था कि शादीशुदा व्यक्ति अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप या एडल्ट्री में रहता है तो क्या हो सकता है, उसका वीडियो मैं डिटेल में लिया है। उसमें कहीं कॉमेंट आया कि सब अलग अलग दो पार्ट बना दीजिए, तो मैं दोनों पार्ट बनाने वाला हूँ। ये अलग है पति के लिए, अगला पार्ट जो आने वाला है वो पत्नी के लिए। मैं दोनों के लिए सेम पार्ट रखने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, अगर पति बिना तलाक दिए भी एडल्ट्री में रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है। देखिए आज के डेट पे आपको पता है कि 497 जो एडल्ट्री का था, मतलब किसी गैर मर्द से, गैर महिला से संबंध रखना, एक क्राइम था कभी 2018 से पहले, लेकिन आज के डेट पे कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में भैया अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो पति को जेल तो नहीं हो सकती, ये बात तो आपको भी समझ आ गई होगी। चाहे वो पत्नी भी है चाहे वो पति है, लेकिन जेल आपको नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है भैया, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो सकता है, आप पे फाइनेंशियल, आप पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल आपका लॉस होगा। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो जिसके साथ आप रह रहे हो उसके साथ किस कंडीशन में रह रहे हो। अगर ओपनली आप एडल्ट्री में रह रहे हो या लिमिट में रह रहे हो किसी विदाउट कंडीशन के, कोई ऐसा नहीं है कि शादी का झांका दे रखे हो या इन फ्यूचर के लिए शादी करना चाहती हो या शादी का कहकर उसके रिलेशनशिप बना रहे हो, तो आपको उसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। कि यू आर 420 का भी केस कर सकती है आपके साथ में, शादी का झांका देकर बनाया गया संबंध, उसमें रेप का केस भी कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जिसके साथ रह रहे हो उससे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, आपकी पत्नी से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आपकी पत्नी चाहे तो एडल्ट्री का ग्राउंड बना के आपसे डाइवोर्स ले सकती है, जो कि लोग हर कोई ये चाहता है कि साहब एडल्ट्री डाइवोर्स ले ले, लेकिन महिलाएं नहीं लेती है। क्योंकि कई महिलाएं जानती हैं कि भैया 20 साल 25 साल शादी को हो गए, अब इसको फ्री कर देंगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपसे अच्छा खासा तो वो मेंटेनेंस ले सकती है, अच्छा खासा आपसे एलिमनी ले सकती है, ठीक है, अच्छा खासा घर का रेंट ले सकती है, या फिर सेम इक्वालिटी की जैसे आप लाइफ जी रहे हो वैसे वही उसे सेम आपको मकान भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, कुल मिलाकर जो भी है आपको फाइनेंशियल तौर पर ही पूरा लॉस होने वाला है। जी हाँ, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे और अपनी मर्जी से पत्नी फिर आपसे दूर भी रह सकती है। जी हाँ, उससे आप तलाक नहीं ले सकते हो। अगर आपके माइंड में ये सेट है कि साहब मैं तो एडल्ट्री में रह लेता हूँ मुझे तो तलाक मिल जाएगा, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस आधार पे पत्नी चाहेगी तो पत्नी को मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला। जी हाँ, मतलब आपसे अच्छा खासा मेंटेनेंस दिया जा सकता है, अच्छा खासा एल्यूमिनियम दिया जा सकता है, अच्छा खासा घर का रेंट दिया जा सकता है, ये आपको नुकसान होने वाले हैं। अदरवाइज कोई केस वगैरह जेल वगैरह ये आपको नहीं होने वाली, इसके आप माइंड से निकाल सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।